Our next topic is how can parties be reformed? How can parties be reformed? As in order, मतलब हम parties को कैसे reform कर सकते हैं या कैसे उन्हें सुधार सकते हैं? In order to face these challenges, political parties need to be reformed. मतलब इन challenges को face करने के लिए parties को ज़रूरी है कि वो अपने आप को reform करें, अपने आप को change करें. द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, दैट इज आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंगली टू रिफॉर्म. क्या अपने आप को चेंज करना चाहती है? क्या पॉलिटिकल पार्टी सुधरने को तैयार है या अपने आप को चेंज करना चाहती है? या इफ दे आर विलिंगली, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? और इफ दे आर नॉट विलिंगली, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को चेंज करना चाहती है? अगर वो अपने आप को चेंज करना चाहती है, अगर वे तैयार है तो इफ दे आर विलिंगली, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? एंड अगर वो तैयार नहीं है तो इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स देम, और उन्हें मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि हम उसे फोर्स करें चेंज होने के लिए. अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप चेंज हो जाए तो बेटर है, अपने में चेंजेस में आए. तो अगर वो अपनी मर्जी से चेंज करना चाहे तो व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम, उन्हें क्या क्या चीज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम, वो क्या क्या चीज़ अपने आप में चेंज कर लाएंगे? और अगर अपने में चेंजेस वो अपने आप को चेंज करना ना चाहे तो उन्हें क्या किया जाए? एक पॉसिबल उन्हें फोर्स किया जाए कि वो रिफॉर्म हो, वो चेंज हो. एंड सेकेंड, सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस, मतलब पूरे वर्ल्ड में सिटीजन यही क्वेश्चन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन फेस कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप तुरंत दे दो. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी. इस डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन है वो लीडर्स लेते हैं, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो लीडर्स फाइनल डिसीजन लेते हैं. एंड पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर. और जो पीपल है वो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, पीपल कैन रिप्लेस बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर. लेकिन पीपल उन्हें कैसे रिमूव कर पाएंगे? लेकिन अगर हम देखें तो लोग उनको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनकी जगह फिर नए लीडर्स को भी तो लाने की ज़रूरत है. उनकी जगह क्या होता है कि पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर. जब आपके पास न्यू सेट ऑफ पार्टी लीडर्स आएगा तभी तो आप उनको चेंज कर पाओगे. एंड इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनीवन, अगर हम मना कर दें कि हम अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे तो कौन आपको फोर्स कर सकता है आपकी ज़बरदस्ती आप में चेंजेस आए? कोई फोर्स नहीं कर सकता. एंड लेट अस लुक एट सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स, मतलब कुछ रीसेंट एफर्ट्स किए गए थे, सजेशन इन आर कंट्री दिया गया था पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स को कि वो इनमें कोशिश करें चेंज लाने के लिए. सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड किया गया था प्रिवेंट करने के लिए MLAs और MPs का चेंजिंग पार्टी. वो जो MLAs और जो MPs अपनी पार्टीज को चेंज करते रहते थे, अब मतलब हम इस पार्टी से उस पार्टी से जो MLA और जो MPs करते रहते थे, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MPs मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो अपने आप को चेंज करते रहते थे. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया गया ये चीज़ को चेंज करने के लिए. एंड दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकेम मिनिस्टर्स और फॉर ईच रिपोर्ट. डिटेक्शन मीन्स क्या होता है? चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम वन पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड
टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी, टू अ डिफरेंट पार्टी। डिफेक्शन मीन्स क्या होता है कि पार्टी को चेंज करना, और पार्टी को चेंज करके फ्रॉम एलिजेंसी, पार्टी को चेंज करना किसी भी फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी, मतलब टू अ लेजिस्लेटिव पार्टी। हम ऐसी पार्टी में चले जाए जिसमें हमको इलेक्ट कर लिया जाए, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर बना लिया जाए, तो हम तुरंत ही पार्टी को चेंज कर देते थे। और हम लोग अक्सर पार्टी को क्यों चेंज करते थे, हम लोग अक्सर पार्टी को ये देख के चेंज करते थे, मतलब एक मिनिस्टर दूसरी पार्टी कहती थी कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा, और कभी कभी हमें कैश रिवॉर्ड, मतलब पैसे दे के खरीद लिए जाता था। और दिस वॉज डन, क्या हुआ, मैंने इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम, उन्हें क्या किया जाता था, बोला जाता था कि हम आपको मिनिस्टर्स बना देंगे, हम आपको पार्लियामेंट्री का मेंबर बना देंगे, हम आपको इतने रुपए देंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाएंगे। एंड नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए, अब लॉ ने क्या बना दिया है, अगर कोई भी एमएलए या एमपी पार्टी जो चेंजेस पार्टी, अगर कोई भी एमएलए और जो एमपी है अपनी पार्टी को चेंज करते हैं, तो ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। पहले क्या हुआ था, वो अगर चुनाव जीत कर भी रिप्रेजेंटेटिव बनते थे तो किसी भी पार्टी में जाते थे तो उनकी वो सीट रिजर्व रहती थी। मींस कि अभी हम किसी यहाँ इस पार्टी से जीत गए तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन गए, तो अगर मुझे किसी ने रुपए का लालच दिया कि वो मुझे मिनिस्टर बना देगा तो हम उसकी पार्टी में जाएंगे, लेकिन हमारी सीट हमेशा क्या होगी, उसमें सीट रिजर्व रहती थी। लेकिन अब क्या किया गया, अगर आपने पार्टी को लेफ्ट किया, पार्टी को छोड़ा, तो आपका आपकी जो सीट थी लेजिस्लेचर में वो भी आप लूज कर दोगे, वो भी आपको सीट गंवानी पड़ जाएगी। ठीक है, जो भी सीट से आप जीते थे वो भी आपको गंवाना पड़ जाएगा। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, इस न्यू लॉ के कारण डिफेक्शन डाउन हो गया, अब लोग दल बदलने नहीं लगे। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिस्टेंट इवन मोर डिफिकल्ट, और अब तो लोगों ने दल बदल करना छोड़ दिया, और इससे जो पार्टी में जो लोगों डिसेंट रहता था, मतलब अब तो पार्टी में क्या होने लगा, एमपीज और एमएलएस हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द जो पार्टी लीडर कहेंगे वही एमपीज को एक्सेप्ट करना था, और वही उनके मतलब एमपीज और एमएलएस को एक्सेप्ट करना पड़ता था जो भी पार्टी कहेगी। और पार्टी में कोई भी अब अपनी आवाज़ को उठाने नहीं लग गया कि मैं पार्टी को छोड़ के चला जाऊँगा, या पार्टी में कोई अब मतलब डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े बंद हो गए सब। सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर को जिससे कि जो मनी और जो क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे इस पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस में, वो बिल्कुल कम हो जाए। Now is mandatory for every candidate. उन्होंने कहा कि now this is mandatory. ये एक mandatory है सारे candidates के लिए जो election में participate कर रहे हैं to file an affidavit. उन्हें एक affidavit file करना है और अपनी सारी properties की detail उसमें लिखनी है। और उन्हें क्या करना है, उन्हें मतलब जो भी कैंडिडेट उस कॉन्टेक्स्ट में उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें फाइल करना है, एक एफिडेविट फाइल करना है, और उसमें सारी गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब पूरी डिटेल देनी है प्रॉपर्टी की, और क्रिमिनल केसेस कितने उनके अगेंस्ट हैं उन सब की भी पूरी डिटेल्स उन्हें देनी है एक एफिडेविट के, मतलब और एक डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करना है ऑफिसर को वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वाइन स्टेटमेंट, मतलब वहाँ पे वो पर्सन एक स्टेटमेंट लिखता है कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पर लिखी है वो सारी सही इंफॉर्मेशन है।
और अगर इनमें से कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप हमारे अगेंस्ट आप हमें पनिश कर सकते हैं। और वो नीचे साइन करता है, वो एफिडेविट होता है। एंड द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। न्यू सिस्टम से लोगों को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उन पर कितने क्रिमिनल केसेस हैं। बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक, मतलब लेकिन कोई सिस्टम ये चेक कर नहीं सकता था कि जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने दी है वो ट्रू है। कोई नहीं चेक करता था कि इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है वो ट्रू है। एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द, इसीलिए हमें नहीं पता चला कि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल, यह हमें नहीं पता चला कि जो रिच है और जो क्रिमिनल्स है उनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कम हुआ है या नहीं। जो रिच है और जो क्रिमिनल्स है उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में कम हुआ है या नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता चला। एंड आफ्टर दैट द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया और मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को एक ऑर्डर दिया और कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन में जितने लोग हैं वो सब फाइल सब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिल करें, सब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिल करें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फिल होगा तभी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, पार्टीज ने इसको करना स्टार्ट कर दिया। बट समटाइम इट इज अ मार्ड फॉर्मेलिटी में, मतलब समटाइम्स क्या होता था कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ही होती थी, मतलब कई बार तो ये एक फॉर्मेलिटी ही होती थी। दैट इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये बात अभी तक कही नहीं जा सकती है कि जो जो पार्टीज है पार्टीज में जो इंटरनल जो ग्रेटर जो भी पार्टीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें जो इंटरनल डेमोक्रेसीज हैं वो पावरफुल मजबूत है या नहीं। मतलब कि पावर इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर में डेमोक्रेसी पावर में आएगी नहीं। और बिसाइड दी मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, और इसके अलावा और भी सजेशन मेड किए गए और भी सजेशन बताए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉ पास किया बट फिर भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोई लोग पास नहीं करते, बताते नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इनकम टैक्स को फिल करने के लिए कहा, लेकिन इसमें हमें उस पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं है, वो लोग फॉर्म कर रहे हैं वो शो करते हैं या नहीं इनकम टैक्स का शो कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनमें स्ट्रेंथ मजबूती आई या नहीं है इससे हमें नहीं पता चला कि उनके इंटरनल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है डेमोक्रेटिक। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो लॉ है उसको क्या करना चाहिए, शुड बी मेड लॉ को बनाना चाहिए और रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर्स है उसके लिए हमें लॉ बनाना चाहिए। एंड इट शुड बी मेड कंपल्सरी, ये मतलब इट शुड बी मेड फॉर कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर फॉर इट्स मेंबर, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाइएस्ट पोस्ट। मीन्स कि हमें कुछ लॉ बनाने चाहिए पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स के लिए, और इट शुड बी ये कंपल्सरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो मेंबर, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपल्सरी है कि वो मेंटेन करे रजिस्टर, अपने मेंबर्स के रजिस्टर को वो मेंटेन करे, और कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, और एंड टू हैव
एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी होना चाहिए कि कभी मतलब वहाँ एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी होना चाहिए और टू एक्ट कि वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जज के मतलब जज के से साथ मतलब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो कभी पार्टी में डिस्प्यूट हो तो वो इंडिपेंडेंट पार्टी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी उसका डिसीजन ले सके। टू होल्ड ओपन इलेक्शन, ओपन इलेक्शन होने चाहिए हायर पोस्ट के लिए, ऑलवेज वहाँ पर क्या होना चाहिए, ओपन इलेक्शंस होने चाहिए। एंड दैट इज इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ स्टिकर्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, और एक मैंडेटरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में कि जो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स है मतलब 1/3 टिकट हमें वुमेन कैंडिडेट को भी देना चाहिए। एंड सिमिलर देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, और वुमेन के लिए एक कोटा भी होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी पार्टिसिपेट कर पाए। 1/3 पार्ट तो होना ही चाहिए और उन्हें कोटा भी देना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी पार्ट ले पाए। और देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट फंडिंग इलेक्शन भी होना चाहिए, मीन्स कि जो इलेक्शन द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट को पार्टी को मनी देना चाहिए जिससे कि वो अपने जो पार्टी अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को पूरा कर पाए। सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, मतलब सपोर्ट इस काइंड में उन्हें देना चाहिए जैसे कि पेट्रोल दे देना चाहिए, मतलब पेपर दे देना चाहिए, सेलफोन दे देना चाहिए, इन सबको एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करना चाहिए। और इट कुड बी गिवन इन कैश, इनको कैश देना चाहिए ऑन द बेसिस द वोट सिक्योर बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और आप ये भी दे सकते हैं या फिर आप इलेक्शन के मतलब आप ये सामान उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और इनके जो पुराने इलेक्शन में इतने उनको कितने वोट्स मिले उसके अकॉर्डिंग आप इनको कैश भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इनको कितने परसेंट वोट मिले थे तो उस अकॉर्डिंग आप इस पार्टी पे खर्चा कर सकते हैं। एंड दी सजेशन ये इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड कर सकती है कि हमें इस पार्टी पे कितना खर्चा करना है, हमें इस पार्टी पे कितनी चीज़ों को खर्च करना है। एंड दीज सजेशन हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये जो सजेशंस थे ये एक्सेप्ट नहीं किया पॉलिटिकल पार्टी ने। एंड इफ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट, अगर इनको पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में ज़रूर आएगा। बट वी मस्ट वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं मतलब हमें केयरफुल होना चाहिए, हम हमेशा जो लीगल सॉल्यूशन की बात करें ये पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, लेकिन जो पार्टीज की ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी अगर आप ओवर रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन बनाओ ठीक है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा उन पर रेगुलेशन बनाओगे आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होगी ये मतलब ये मानने से इनकार कर देगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ये क्या करेंगी, ऐसा लग रहा है कि हम उनको जेल में बंद कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी रॉन्ग चीज़ होगी। ओवर रेगुलेशन दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट दी लॉ, और मतलब अगर आप ओवर रेगुलेशन बनाओगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज वो अपने लॉज को चीट करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऐसे लॉ को कभी पास नहीं होने देगी जिसमें जो उनको पसंद नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऐसे लॉ को कभी पास नहीं होने देगी जो उनको कभी पसंद नहीं है। लाइक अगर आपको फोर्स कभी कभी क्या होता है फोर्स किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सबके यहाँ मीटर लगा हुआ है लेकिन उसके बाद भी कई लोग क्या करते हैं दैट गलत काम करके कहीं और से लाइट लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं।
तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इसमें कोई सॉल्यूशन इसका ढूंढ लेगी। एंड देयर आर टू अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। दो और तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म हो सकती। पहला क्या है? वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। जो पीपल हैं क्योंकि हम ही उन्हें इलेक्ट करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर कर सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू, हम कैसे कैसे उन पे प्रेशर कर सकते हैं? पहला, हम ये काम कर सकते हैं पिटीशन डालकर काम कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, या एगिटेशन करके कर सकते हैं, या हम आंदोलन कर सकते हैं, या हम चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, या प्रचार कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, या हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, एगिटेशंस कर सकते हैं। ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं वो प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। जो हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है प्रेशर ग्रुप और जो मूवमेंट्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स है, जो मूवमेंट्स है और जो एडवर्टीजमेंट से ये वर्क किया जा सकता है, ये वर्क किया जा सकता है। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो लोग ये वर्क कर सकते हैं। सेकेंड, मूवमेंट्स के द्वारा और मीडिया का भी यूज कर सकते हैं। एंड इफ पॉलिटिकल पार्टी फील दैट दे वुड लूज पॉलिटिकल सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म। अगर पॉलिटिकल पार्टी को ये फील हो गया कि अगर उन्होंने पब्लिक सपोर्ट, अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, अपने में चेंजेस वो लेकर नहीं आए, तो जो उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था वो पब्लिक सपोर्ट लूज़ कर जाएंगे, पब्लिक सपोर्ट उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो सीरियस होके अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। वो सीरियस होकर अपने आप को क्या करेंगे? चेंज करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड रिफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वॉन्ट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। और सेकेंड, अगर सेकेंड के दूसरे तरीके की बात करें, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अगर आप लोग जो अपने आप में चेंजेस ला सकते हो वैसे लोग पॉलिटिकल पार्टीज में जाएं, तो जैसे जो अपने आप को चेंज कर सकता है वैसे लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज में जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म होगा। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है वो डिपेंड किस में करती है? पब्लिक पार्टिसिपेशन में डिपेंड करती है, क्योंकि हम ही पार्टिसिपेट करते हैं तभी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हम ही सपोर्ट करते हैं। और इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। और ये बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज करना। मतलब अगर आप ऑर्डिनरी जो पीपल हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मतलब अगर ऑर्डिनरी पीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना जाए तो और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशराइज ना करें, तो उनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ बैठे बैठे उन्हें क्रिटिसाइज करना अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये भी बहुत गलत है। बैठे बैठे उन्हें क्रिटिसाइज करो, पार्टिसिपेट एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करो, तो ये बहुत रॉन्ग। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। ये जो प्रॉब्लम बैड पॉलिटिक्स है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मोर और बेटर पॉलिटिक्स भी बना सकते हैं। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। मीन्स कि हम इस बात पे मतलब लास्ट चैप्टर में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और हम इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए कि जो बैड पॉलिटिक्स है वो बेटर पॉलिटिक्स बन पाए, जो बैड पॉलिटिक्स है वो क्या बन पाए? बेटर पॉलिटिक्स बन पाए।